कहाँ रखा, मिल क्यों नहीं रहा है, कहाँ रख दिया मैंने। उफ, कहाँ गया, किसे ढूंढ रही हूँ। कुछ ढूंढ रहे हो जान? हाँ यार, वही। थोड़ा हेल्प तो कर सकते हो ना, कब से ढूंढ रही हो। हेल्प तो करता, पर ये जो तुम्हारा वही है, अलमारी से लेके किचन तक ढूंढ रही हो। अच्छा, तो अभी आपको मजाक सूझ रहा है? नहीं तो मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अच्छा सुनो, अलमारी में दोबारा ढूंढने से मिलेगा। अगर तुम चाहो तो एक बार मेरे तकिए के नीचे देख सकती हो। अमित, तुम भी ना, कब अकल आएगी तुम्हें। मेरे तो पसीने छूट गए। लो ना। जान, क्यों करती हो इतना प्यार? कोई प्यार व्यार नहीं है। दवा ढूंढते वक्त तुम्हारी ये बेचैनी, घबराहट, अच्छा लगता बहुत। अच्छा, तो मुझे परेशान करने में तुम्हें मजा आता है। आओ ना। क्या है, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ। बोलो। थोड़ी देर और देखो, अब कुछ ही दिन देख पाऊंगा। फिर से चलो सो जाओ। जान, आज की धड़कन नहीं बढ़ोगी। ओह, अरे मैं तो भूल ही गई। मुस्कुराते इस चेहरे में कोई खामोशी, जो तुम्हें छूकर बोल जाए सारी बातें। मैं जीता हूं बस उसी एक पल में, बाकी बची जिंदगी सांसों की गिनती में बीत जाती है। हाँ हेलो डॉक्टर चौधरी, मैं ज्योति बात कर रही हूँ। हाँ, मेडिसिन्स दे दिए हैं, अभी वो सो रहे हैं, बुखार अभी तक नहीं उतरा। आप एक बार आ जाइए ना। हाँ मुझे मालूम है, आपने बोला था मामूली फीवर है, लेकिन 7 दिन हो गए डॉक्टर। आप प्लीज़ एक बार आ जाइए ना। हाँ कल सुबह 10 बजे हूँ मैं, उसके बाद बाहर जाना है। या श्योर, ओके, गुड नाइट डॉक्टर। Renault.
कितनी बार बोला है तुम्हें, एक बार आवाज दे दिया करो, अभी गिर जाते तो। आइए डॉक्टर चौधरी। सांस लीजिए। खांसी, आपको खांसी कब से है? पीछे घूमिए, थोड़ा सा टर्न करिए, पीछे घूमिए। थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा जोर से लीजिए। ठीक है, रिलैक्स। मुझे लगता है कि थोड़ा वायरल फीवर हो सकता है, बट उसके लिए हमको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है, क्या निकल के आता है। आप मेरे साथ एक बार बाहर आएंगे? या श्योर। ज्योति जी, एक मेडिसिन बदल लूँ, खाने के बाद रात को दीजिएगा उनको। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। या श्योर डॉक्टर। लीजिए, ये खाने के बाद दीजिएगा। सुनो अमित, मैं जरा जाग के आई। हाँ, कहाँ जाओगे? चार डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन चेंज करके दिए, वो लेके आती हूँ। छोड़ो ना, शाम को चले जाना। तुम्हें जल्दी ठीक नहीं होना है? अब जिसके पास इतनी प्यार करने वाली बीवी हो, कौन चाहेगा ठीक होना? चुपचाप यहाँ लेटे रहो, मैं अभी आई। जान, ख्याल रखना। अमित, मैं खुद पी लूंगा, वो टाइम हो चुका, तुम जाके खाना खा लो। मैं पी लूंगा ना? अभी पीना है, पी लो ना। मुझे लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। फिर वही बात। आज शाम को एडवोकेट पॉल को बुलाया। एडवोकेट पॉल? क्यों? वो आश्रम का कुछ काम था इसलिए। अमित, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है फिर भी आश्रम के काम में लगे हुए हो, पहले ठीक हो जा फिर काम कर लेना। जरूरी है, करना पड़ेगा। क्या जरूरी? तुम्हारी तबीयत से तो ज्यादा जरूरी नहीं ना? वो कुछ नहीं, मना कर दो उन्हें। आने दो ना, आधे घंटे को तो काम है। शाम को घर पे नहीं हूं मैं, दरवाजा कौन खोलेगा, चाय कौन बनाएगा? ना ना, मना कर दो उन्हें, उनको बोलो कल सुबह आए। तुम कहाँ पे जाओगी? कहाँ ना, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले करने को। उसी के बारे में पूछताछ करने जाना है हॉस्पिटल। ज्योति, अगर कल को मैं नहीं रहूंगा
तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी ना। क्यों ऐसा कहते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाया। क्यों कुछ नहीं दे पाए? कहाँ कुछ दे पाया, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है जिससे तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाए। जान, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम चाहते तो बहुत कुछ दे पाते अमित, मुंबई में बड़ा फ्लैट, बड़ी गाड़ी, ढेर सारे जेबरात, नौकर चाकर, ये सब दे पाते तुम। इतने औकात तो है तुम्हारी अमित, किसी को पता हो या ना हो मैं जरूर जानती हूँ। पर ये सब छोड़कर तुम यहाँ अनाथ आश्रम में इन बच्चों के साथ रह रहे हो। मेरे पूर्वजों ने गरीबों का खून चूस चूस के ये सब पैसे इकट्ठे किए, समझदार थे ना, लेकिन मैं उन पैसों को भूख नहीं सकता, इसलिए तो वो अनाथ आश्रम बनवाया। जानती हूँ मैं अमित। ज्योति, जब मैं इन अनाथ बेसहारा बच्चों को देखता हूँ ना, इनके चेहरे पे जो मुस्कान है उनको देखता हूँ, मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे पूर्वजों की सारी गलतियों को माफ कर दिया। और शायद, क्या पता, इनकी वजह से मेरा जीवन भी सफल हो जाए। मुझे एक अच्छे इंसान का साथ मिला, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। चाहिए मेरी आज की धड़कन दो। जी बच्चे, आए थे वो? नहीं, वो काम वाली थी ना, उसने चाय बना दी थी। डोंट वरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वॉशरूम की छत की काम मरम्मत करवाना है बारिश से पहले, वरना बच्चों को परेशानी होगी। क्या? हाँ, पैसे तो चाहिए होंगे, बस उसी का बंदोबस्त करने में लगा हूँ। नाराज हूँ उससे, तुम्हारे बिना सब कुछ सोना सोना सा लगता है। जल्दी से मेरे पास आ जाओ जान। रिक्शा। जी, कोई तकलीफ आपको? कुछ बोलेंगे आप? वैसे बोलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? ज्योति जी,
आकर सब बारेंगे। जी डॉक्टर। ज्योति जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अमित की हालत ठीक नहीं है, उसे जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। शायद मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है। अरे संभालिए अपने आप को, संभालिए। देखिए, भगवान पे भरोसा करना होगा। विल डू आवर बेस्ट। देखिए डॉक्टर, आज मंडे है, मैं वेडनेसडे तक सारे टेस्ट कराऊंगी और जल्दी से जल्दी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराती हूँ। देखिए, वेडनेसडे तक तो देर हो जाएगी शायद, आपको जल्दी एडमिट करना होगा, बाकी आपकी इच्छा। अर्ली डॉक्टर ने बोला है टेंशन की कोई बात नहीं है। खेली पी के संग जीत गई तो पिया मोरे, हारी पी के संग। इम्तिहान में पल
मुझे वो आसमान दिखाओगी ज्योति? पॉल, एडवोकेट पॉल। जानती हूँ, आइए। जानती हूँ मैं, अमित की प्रॉपर्टी, पैसा, आश्रम, मगर मुझे इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। दरअसल मैं तो कुछ और ही बोलने के लिए आया था। संभाल लूंगी मैं सब कुछ, पहले श्राद्ध का काम तो होने दीजिए। हो सकता है आपको कुछ भी संभालना ना पड़े। क्या? बीवी हूं मैं उसकी। हो सकती है, लेकिन अमित जी का वकील होने के खातिर मुझे भी आपको बताना पड़ रहा है कि मरने से कुछ दिन पहले अमित जी अपना सारा प्रॉपर्टी, सारा पैसा, सब कुछ आश्रम के नाम चेक से ट्रांसफर कर दिया है। और यहाँ तक कि ये फ्लैट भी उन्होंने आश्रम के बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर दिया है, और आपको ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा। ये एक कॉपी है, लीगैलिटीज लीगल नोटिस है, देख लीजिएगा। तुम शायद भूल गई, मैं बी फार्मा का स्टूडेंट था। जो दवा तुम मुझे रोज देती हो, मैं जानता हूँ वो डॉक्टर की दी हुई दवा नहीं है, स्लो पॉइजन है। फिर भी मैं रोज तुम्हारे हाथों से वो जहर पीता रहा। मैं देखना चाहता हूँ कुछ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए कोई इंसान कैसे प्यार का खून कर सकता है। लेकिन तुमने तो वो कर ही दिया। लेकिन तुम हार गई, तुम्हारे बिना सब कुछ सूना सूना सा लगता है। जल्दी आ जाओ जान। चला तेरी ओर।